हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सा मटन करी। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे दी हूँ। अभी आधा के जी मटन लेके इसमें नमक, मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, इन सभी को डाल के मिक्स कर लेना है अच्छे से। एक ही साथ में डाल के सभी मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके आधा घंटा घंटा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर टाइम नहीं है तो आप पीछे ही बना सकते हो। इस करी को मैं कुकर में बना रही हूँ, तो एक कप तेल डाल के एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा तोड़ के डाल रही हूँ। तेल को गर्म होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, एक कटी हुई प्याज है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके थोड़ा सा ही घुमाना है इनको, प्याज को। देखिए प्याज अब लाल होने लगी है। अब इसमें डालेंगे तीन कटे हुए टमाटर। टमाटरों को लाल लेने हैं अच्छे पके हुए टमाटरों को। इन टमाटरों को नरम होने देते हैं थोड़ा। अभी टमाटर भी नरम हो गए ना, प्याज और टमाटर दोनों ही नरम हो गए हैं। अभी मैं इसमें मैरिनेटेड मटन डालूंगी। इस मटन में नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट है जिसको मैरिनेट किया हुआ है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट में हम लोग है ना कोथमीर को भी डाल के पीस देते हैं, तो ग्रीन कलर है वो। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ा ऑयल में थोड़ा पकने देना है, फ्राई होने देना है इसको। मटन जो है अच्छे से फ्राई होके ऑयल छोड़ने लगा है। इस टाइम पे हम लोग जो भगोने में मिलाए थे ना मसाला, वो उसका पानी डाल देंगे, पानी हिला के उसमें। देखिए ये मटन का ही मैरिनेटेड मसाले वाला पानी है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा उबाल आने देना है। पानी इतना डालना है कि मटन इक्वली डूब जाए बस। हाँ, अभी उबाल आ रहा है ना, तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे। देखिए मटन के टेंडरनेस पे डिपेंड होता है कितनी सीटियाँ लेना है। तो मैंने ली थी 8 सीटी। आपके मटन को कितना लगता है आप देख के लीजिए। देखिए तेल ऑयल भी सरफेस पे आके अच्छे से पक रहा है। मैंने चेक कर ली थी, मटन गल गया था अच्छे से। इसको फिर चूल्हा ऑन करके इसमें मैं डाल रही हूँ खोपरा। डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है, नारियल पिसा हुआ नारियल का पाउडर है। हाँ, अभी इसको जितना हमको ग्रेवी चाहिए उतना हम लोग इसको डाल के डाइल्यूट करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ग्रेवी बना सकते हैं। ग्रेवी बोलो या करी बोलो, एक सिंपल सा रोस्ट का सालन है। चावल में, रोटी में, सब में अच्छा लगता है। मैंने खोपरा डालने के बाद पानी कितना चाहिए देख के एडजस्ट किया था। बस इसको है ना कोकोनट की जो स्मेल होती है थोड़ा ख़त्म होने तक 5 मिनट पकाना है अच्छे से। इसको अच्छे से पकने के बाद आप सर्व कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो।